महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि मूल वेतन का अर्थ 7वें वेतनमान आयोग के अनुसार प्राप्त वेतन है, इसमें कोई अन्य विशेष वेतन शामिल नहीं है। व्यय विभाग ने 25 अक्टूबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से मूल वेतन के मौजूदा 28% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। यह बढ़ोतरी रक्षा सेवाओं से वेतन पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगी। सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रक्षा और रेल मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते DA और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत DR को मौजूदा 28% से 3% बढ़ाने को स्वीकृति दी थी। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इस साल जुलाई में महंगाई भत्ते की दर 17 से बढ़ाकर 28% कर दी थी। अब 3% की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते की दर 31% हो जाएगी।